बिग बॉस का हिस्सा बनने को लेकर कई नाम सामने आ चुके हैं। कई ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने सलमान के शो का ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से कंटेस्टेंट्स के नाम की फाइनल लिस्ट सामने नहीं आई। चलिए आपको बताते हैं कि खबर बिग बॉस और रेडी 3 के बाद बिग बॉस 18 को लेकर काफ़ी बज बना हुआ है। हर किसी को सलमान खान के शो के शुरू होने से बेसब्री से इंतज़ार है। शो को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। बिग बॉस का हिस्सा बनने को लेकर कई नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से कई नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने सलमान खान के शो का ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि अभी तक मेकर्स ने किसी तरह के कंटेस्टेंट की लिस्ट को फाइनल नहीं किया और ना ही कोई ऐसी लिस्ट सामने आई है। इसी बीच अब एक बड़े अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें सलमान खान के शो में बिग बॉस विनर की एंट्री होने की खबर सामने आ रही है। आइए जानते हैं कौन है वो। दरअसल बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट विक्की जैन और अंकिता लोखंडे इन दिनों लाफ्टर शेफ शो में नजर आ रहे हैं। हाल ही में इसी शो में बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी भी पहुंचे। इस शो के दौरान काफ़ी मस्ती मजाक हुआ, लेकिन इसी दौरान विक्की जैन के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसके बाद मुनव्वर को उन्हें रोकना पड़ा। विक्की ने कहा, मुनव्वर 5 अक्टूबर से फिर बिग बॉस में आ रहे हैं। ये सुनते ही मुनव्वर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बता दें कि ऐसी खबरें पहले ही सामने आ रही थीं कि पुराने कंटेस्टेंट बिग बॉस शो में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में मुनव्वर अगर शो का हिस्सा बनते हैं तो वो सीनियर के तौर पर नजर आएंगे। फिलहाल मुनव्वर के शो में जाने को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुनव्वर को शो में फिर से देखना फैंस के लिए काफ़ी मज़ेदार होगा। हमेशा से फैंस को बिग बॉस की थीम का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार घर का नया थीम क्या होगा। ऐसे में अब बिग बॉस 18 की थीम भी सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार बिग बॉस 18 की थीम जीवन के अलग अलग चरणों पर फोकस करेगी, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के आसपास घूमती रहेगी। वहीं इस महीने के आखिर तक शो का प्रोमो रिलीज कर दिया जाएगा। अब बस बिग बॉस के फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है कि कब सलमान खान आएंगे अपना बिग बॉस 18 शुरू करेंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।